बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से लेकर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन गंभीर है। सलमान और उनकी फैमिली को पिछले एक साल से लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धमकी मिल रही है। सलमान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है, लेकिन पॉलिटिशियन और सलमान खान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान को फिर से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड सोसाइटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने बुलेट प्रूफ निसान पेट्रोल SUV खरीदी है। यह कार भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सलमान खान कथित तौर पर इसे दुबई से इम्पोर्ट करवा रहे हैं। कार की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कार की भारत में जल्द डिलीवरी हो जाए, इसकी भी एक मोटी रकम खर्च की जाएगी। बात करें निसान पेट्रोल SUV की स्पेसिफिकेशन की तो इसमें हाई सिक्योरिटी टूल्स हैं। कार में एक्सप्लोसिव अलर्ट इंडिकेटर, पॉइंट ब्लैंक, बुलेट शॉट को रोकने के लिए मोटी ग्लास सीट और ड्राइवर या पैसेंजर की पहचान को रोकने के लिए ब्लैक शेड कैमफ्लेस है। इसके जरिए बाहर से कोई भी कार में बैठे ड्राइवर या पैसेंजर को नहीं पहचान पाएगा।